दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक की रेसिपी जो आज तक आपने कभी बनाया नहीं होगा और ना ही कभी खाया होगा। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और एकदम बढ़िया बनता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना घर में। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक बाउल लिया है, मुझे बड़ा केक बनाना है इसीलिए मैंने बड़ा बाउल लिया है। तो इसमें मैंने आधा से कम थोड़ा ऑयल डाला है और उसके बाद आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और मैंने शक्कर को आधा बाउल, मतलब मेजरमेंट वही हमारे को सेम लगेगी, बाउल ही एक यूज़ करना है। मैंने इसमें आधा बाउल डाल दिया है शक्कर और उसको भी अच्छे से मेल्ट कर दिया है ऑयल में। उसके बाद मैंने 2 बाउल डालेंगे इसमें मैदा और उसके बाद मैंने आधा बाउल डाल दिया है मिल्क पाउडर और मैंने बेकिंग सोडा 1 चम्मच और मीठी सोडा होती है वो मैंने 1/4 डाल दिए और मैंने इसमें कोको पाउडर भी इसमें डाल दिया है। आप कोई भी कोको पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2.5 चम्मच इसमें कोको पाउडर डाल दिया है और दूध देखिए मैंने वही बाउल लिया है, 1 बाउल मैंने पहले ही डाल दिया है और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है कि लंग्स न रहे। मैंने एक साथ ही सारा मिश्रण हमने इसमें डाल दिया है और उसको अच्छे से घुमाना है कि जैसे लंग्स पूरे उतर जाएँ, निकल जाएं सारे लंग्स इसमें। और इसके बाद हमें थोड़ा सा दूध और लगेगा, मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है और हमें इस बैटर की थिकनेस भी देखनी है। तो बैटर देखिए इस टाइप से थिकनेस होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, मीडियम बैटर होना चाहिए। फिर मैंने एक ट्रे लिए जिसमें हमें केक बनाना है, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, मैंने राउंड शेप बना दिया है। और उसके बाद पहले मैंने इसको ग्रीस कर दिया है और उसके बाद मैंने गेहूं का आटा इसके ऊपर डाल दिया है और इसको अच्छे से पूरी तरह से फैला देना है कि आटा अच्छे से लग जाए और केक इतना आराम से निकल जाएगा, यकीन मानिए कि बिल्कुल ही जल्दी केक आराम से निकल जाएगा। तो मैं इस ट्रे में अच्छे से डाल दिया है पूरा बैटर इसमें और इसको मैंने इसके ऊपर आप चाहे तो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देना है। तो मैंने बादाम को क्रश करके इसको अच्छे से डाल दिया है, पूरे में इसको फैला दिया है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट डालिए या फिर आप सिंपली केक खाइए कि केक का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है खाने में भी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैंने ओवन में रख दिया है बेक करने के लिए 180 डिग्री पे 40 मिनट्स में। तो देखिए केक कितना सुंदर लग रहा है, तो सोचिए देखने में इतना सुंदर लग रहा है तो बनाने में कितना सही लग रहा है। देखिए वाओ, केक बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है केक। तो हमें पहले 5 मिनट हमें केक को ढक्कन लगा के रख देना है क्योंकि केक ठंडा हो जाए और बहुत ज़्यादा गर्म है तो गर्म हमें तुरंत निकालना नहीं चाहिए। 5 मिनट हो गया है तो हमें पहले चाकू की मदद से इसको साइड साइड में धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से हमें इसको ओपन करना है और उसके बाद हमें प्लेट के ऊपर रख देना है और हमें केक की जो ट्रे है वो पलटा देनी है और इस टाइप से केक देखिए बिल्कुल आराम से निकल गया है और ट्रे में चिपका भी नहीं है। तो है ना बहुत शानदार केक। और देखिए प्लेट के आगे बिल्कुल फूल गया है केक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि केक बनाना बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितना स्पंजी बना है केक। ये देखिए मैंने काट के दिखाया है आपको और ये देखिए कि है ना कितना सुपर सॉफ्ट केक और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। चॉकलेट केक बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, ये देखिए चम्मच की मदद से देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। तो मैं तो चलती हूँ खाने क्योंकि मेरे से अभी रुका नहीं जा रहा है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय, थैंक यू।